आप रजिस्टर निकाल लें। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हमने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, आज तीसरी प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो आप सब लोग बोर्ड पर आ जाइए और देखिए बोर्ड पर। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नेसेंट हाइड्रोजन एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एनी सब्सटेंस विच यूजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन वो अमल होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन वो अमल है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल एक साथ होता है, इस अमल को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। सारी डेफिनेशन आपने बच्चों फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ऐसी बातें बहुत दिन हो गए, आप भूल गए होंगे, तो दोबारा से सुनिए। रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडॉक्स रिएक्शन is an electron transfer reaction in which oxidation and reduction occur at the same time. Is it clear? इसको copy कीजिए और फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट, नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी वजह यह है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर एच पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। नेसेंट हाइड्रोजन चूंकि अनस्टेबल है तो फौरन इलेक्ट्रॉन लूज करके एच पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहती है। क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसलिए नेसेंट हाइड्रोजन एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए ये मुख्तलिफ चीजों को रिड्यूस कर देगा जबकि खुद एच पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कॉपी कर लिया भाई? सब लोग कॉपी कर चुके तो मुझे बता दे ताकि मैं आगे आपको बढ़ाऊं। ओके, तो फिर मैं मिटाता हूं। और रिड्यूसिंग एक्शन जो है वो तीन हेडिंग्स में पढ़ना है आपने। पहली हेडिंग है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। अब हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन। सबसे पहले हम लेंगे कॉपर ऑक्साइड, फिर हम लेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड, और फिर हम लेंगे WO3 टंगस्टन ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? टंगस्टन ऑक्साइड, WO3 टंगस्टन ऑक्साइड।
टंगस्टन ऑक्साइड, रिएक्शन हम कर रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन से। एटॉमिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, जबकि इन मेटल ऑक्साइड में कॉपर का प्लस टू है, मर्क्यूरी का प्लस टू है और डब्लू का प्लस सिक्स है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए लिखना। तो हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन को खींच लेगा और खींच कर बना लेगा वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से प्लस वन हो गया, यानी बढ़ गया। जब यहां से ऑक्सीजन निकली मेटल ऑक्साइड से तो खाली मेटल बच गई, और ये अमल मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन दो है यहाँ दो लगा दे, हाइड्रोजन दो है यहाँ पर भी दो लगा दे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है तो यहाँ पे तीन लगा दे, हाइड्रोजन छह हो गया तो यहाँ पर छह लगा दे। ये जो डब्लू है इसका नाम है टंगस्टन या वोल्फ्राम, और ये बल्ब के फिलामेंट पे, बल्ब का फिलामेंट इसी मेटल का बना हुआ होता है। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, प्लस टू से जीरो, प्लस टू से जीरो, प्लस सिक्स से जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, विच इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है जीरो से प्लस वन, विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या बना? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। एंड इस अमल में एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी H2O में, यानी H पॉजिटिव में। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ये नंबर ए हेडिंग है, अब इसके बाद नंबर बी आएगी और फिर नंबर सी। स्टूडेंट उठा लिया आप लोगों ने, तो अब नंबर बी की हेडिंग लगाए रिडक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड्स। रिडक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड्स, रिडक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड्स नंबर बी, रिडक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड्स इनटू मेटल। ये भी बिल्कुल पिछले रिएक्शन की तरह होगा, फर्क यह है कि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल क्लोराइड यूज करेंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा हम एक क्लोराइड यूज करेंगे फेरिक क्लोराइड, तो हमने पीछे भी यूज किया था। ऐसे हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्शन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है और मेटल क्लोराइड में आप कैलकुलेट करेंगे प्लस वन है ऊपर और फेरिक क्लोराइड में प्लस थ्री है। हाइड्रोजन क्लोरीन को खींच लेगा और खींच कर HCl बना लेगा और ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का प्लस वन हो जाएगा जीरो से, मेटल अलग हो जाएगी। लेकिन यहां पर मेटल अलग नहीं होगी बल्कि फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, फेरस क्लोराइड सॉरी, FeCl2 बन जाएगा एक क्लोरीन जब निकलेगी। तो आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखे जीरो और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू। तो आप देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का पॉजिटिव से जीरो हो रहा है
यानी कम हो रहा है, इट इज नोन एज रिडक्शन, और हाइड्रोजन का जीरो से प्लस वन हो रहा है, बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। सो एटॉमिक हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस टू रिएक्शन एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस थ्री रिएक्शन। Is it clear to you? तो ये दो रिएक्शन है इस कैटेगरी में, और अब तीसरी कैटेगरी बाकी है सी। बस सी में तो आपको दिखाते हैं अभी कितनी रिएक्शन है उसमें। जो नेसेंट हाइड्रोजन आप देखें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रही है, यानी जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है, उसको पुल कर लेती है और उसके साथ अटैच हो जाती है। असल में हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करना है, जीरो से प्लस वन करना है। प्लस वन करने के लिए या तो HCl बनाना पड़ेगा या H2O बनाना पड़ेगा, और यही वो कर रहा है पहले और दूसरे रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नंबर सी, नंबर सी रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स into saturated hydrocarbons or organic compound, hydrocarbons or organic compound। बच्चों अनसेचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल है इथीन C2H4, it is known as ethene, it has carbon-carbon double bond. In double bond there is a scope of addition of two hydrogens. Ethene में जब दो हाइड्रोजन हम डालेंगे तो बन जाएगा ethene. Ethene unsaturated है और इथेन सैचुरेटेड है। ये बच्चों आपने देखा कि इथेन में दो हाइड्रोजन ऐड हुए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है एक्चुअली, यानी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये स्ट्रक्चर है इथीन का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है उसमें दो एटम ऐड हो सकते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो हम दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो हमने करना यह है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो एज इट इज राइट साइड पे बना लेंगे, लेकिन उसका डबल बॉन्ड खत्म कर देंगे और उस डबल बॉन्ड की जगह दो वैलेंसीज जो है एक
एक साइड पर और एक दूसरी साइड पर खाली हो जाएगी, जिसको हम फिल कर देंगे हाइड्रोजन से। इस तरह चारों वैलेंसी कार्बन की फिल हो जाएंगी। इस कंपाउंड में कार्बन की चारों वैलेंसी फिल नहीं है, एक वैलेंसी शॉर्ट है, जबकि यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसियां मुकम्मल तौर पर फिल है। अगर फिल होंगी वैलेंसी तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे सैचुरेटेड, और अगर फिल नहीं होंगी तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो इस रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक रिएक्शन रह गया है और फिर ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी रिएक्शन देखिए, और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है T17H33COOH, इसका नाम है ओलिक एसिड। दिस इज अनसैचुरेटेड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें दो हाइड्रोजन हम डालेंगे, तो हाइड्रोजन 17 थे तो 33 थे वो 35 हो जाएंगे, और इस एसिड का नाम है स्टेरिक एसिड। इट इज सैचुरेटेड। तो अगेन ओलिक एसिड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। This is reduction, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो हम ये कहें, हम इस रिएक्शन को इस तरह से रीड करेंगे कि ओलिक एसिड इज हाइड्रोजिनेटेड टू स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड इज हाइड्रोजिनेटेड टू स्टेरिक एसिड बाय द एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। सिर्फ एक हेडिंग बाकी है, यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन बाकी है, वो हम आपको पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। अभी भी स्ट्रक्चर है लेकिन काफी डिफिकल्ट है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आएगा। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में। ये जो सारे एसिड मैंने लिखे हैं, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इनको फैटी एसिड कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर वहां पे कोर्स में तो नहीं है लेकिन मैं कराऊंगा आपको वहां। हेडिंग लगा लें यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। स्टूडेंट एटॉमिक हाइड्रोजन के दो यूजेस है। पहला यूज है इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। एटॉमिक हाइड्रोजन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। आपने अभी देखा भी कि किस तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। दूसरा इस्तेमाल है इसका मेकिंग ऑफ
एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, इट इज कॉल्ड AHT, एंड दिस टॉर्च प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर of about 4000 to 5000 degrees centigrade. And this temperature is used in cutting and welding purpose. Cutting and welding of metals. में ये इस्तेमाल किया जाता है. तो आखिर इतनी ज्यादा हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च? जो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह हाइड्रोजन का जलना नहीं है बल्कि हाइड्रोजन की रिकम्बिनेशन है. एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में रिकम्बाइन हो जाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है. इस अमल में 104 किलो कैलोरी पर मोल की हीट निकलती है और ये हीट से टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है और ये टेम्परेचर किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट है. जब मेटल पिघल जाएगी तो हम उसको काट भी लेंगे, उसको जोड़ भी लेंगे, यानी उसको उसकी वेल्डिंग भी कर लेंगे. तो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च से हम क्या करते हैं, वेल्डिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे दो यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन जो यहाँ खत्म हुए. नाउ अब हम आपको आखिरी टॉपिक से पहले वाला टॉपिक पढ़ाएंगे. पेनल्टीमेट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का. पहले आप ये कॉपी कर लें. लाइट से वेल्ड हो जाएगा मतलब समझ नहीं आया मुझे. बस लाइट से वेल्ड हो जाएगा. एटॉमिक हाइड्रोजन से जो वेल्डिंग होगी वो तो बहुत ही स्ट्रांग होगी. स्टूडेंट यहां पर ये टॉपिक खत्म हुआ एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. The name of the topic is position of hydrogen in the periodic table. Position of hydrogen in the periodic table. सबसे पहले तो जो साइड हेडिंग लगेगी बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स. बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. यानी बच्चों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को प्लेस करने की क्या बुनियाद है. हाँ बेटा डॉट से लाइट तो निकलेगी और उस लाइट से निकलने वाला जो फ्लेम है उससे फिर हम मेल्ट करेंगे मेटल्स को. स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने की दो बुनियादें हैं. पहली बुनियाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये मेन बुनियाद है. यानी
वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे। और दूसरी बुनियाद है प्रॉपर्टीज, यानी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी वो एक ही ग्रुप में होंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर किसी भी ग्रुप से नहीं मिलती और पार्शियली तीन ग्रुपों से मिलती हैं। वो तीन ग्रुप जिससे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मिलती है वो है 1A ग्रुप, 4A ग्रुप और 7A ग्रुप। इन तीन ग्रुपों से हाइड्रोजन पार्शियली तौर पर रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और प्रॉपर्टीज में, लेकिन इन तीन ग्रुपों से मैच भी करता है और साथ में डिफर भी करता है, यानी प्रॉपर्टीज में मिसमैच भी करता है। नतीजा ये है कि हाइड्रोजन को इन तीन ग्रुप्स में रखना भी प्रॉब्लम है, और अगर हम नहीं रखते तो यकीनी तौर पर हमारे पास उसके पॉइंट्स होने चाहिए कि हम क्यों नहीं रखते। तो इस टॉपिक को बच्चों समझने के लिए आप एक बात ध्यान में रखें कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था, जो ओरिजिनल मेंडलीव का टेबल था हाइड्रोजन को उसने 1 में रखा था। इसी तरह जो हमारे आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन को हमने ग्रुप 1 में ही रखा हुआ है ज्यादातर ऑथर्स ने, लेकिन कुछ ऑथर्स का कहना है कि 4 ग्रुप में भी रख सकते हैं, कुछ का 7 में भी रख सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक में ये बहस करनी है कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में क्यों रख सकते हैं, 4A में क्यों रख सकते हैं और 7A में क्यों रख सकते हैं, यानी हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है इन तीन ग्रुपों से। इज इट क्लियर टू यू? यानी एक तरीके से हमने सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स बताने हैं और डिससिमिलैरिटीज के पॉइंट बताने हैं। यानी हमने ये बताना है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1A में क्या क्या सिमिलैरिटीज रखता है और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज रखता है। कम से कम तीन तीन चार चार पॉइंट्स हमें ये बताने हैं। हम शुरू करेंगे टॉपिक, तो साइड हेडिंग लगाएं, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A। Comparison of hydrogen with alkali metals of group 1A. पहला point इसमें है similarity in electronic configuration. सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। कैसे सेम होती है देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। तो आप चेक करें कि दोनों का वैलेंस शेल S में है और दोनों के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सेम हो गई। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है सिमिलैरिटी इन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, अल्कली मेटल्स भी मोनोवैलेंट है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और अल्कली मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो देखिए कितनी सिमिलैरिटी आ रही है दोनों में, इसको आप जल्दी से नोट कर लें अपने पास।
दोनों पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए अपने पास। जी तीसरा पॉइंट लिखाते हैं, सिमिलैरिटी इन नेचर ऑफ कैटाइंस। बच्चों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों एक ही टाइप के कैटाइंस बनाते हैं। अल्कली मेटल्स कैटाइंस बनाते हैं M पॉजिटिव के साथ। M अल्कली मेटल का सिंबल है और प्लस चार्ज है, और हाइड्रोजन का जो कैटाइन है वो होता है H पॉजिटिव। आप देखिए दोनों कैटाइन की नेचर सेम है और इसको कहते हैं मोनोवेलेंट कैटाइन। तो बोथ अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन फॉर्म मोनोवेलेंट कैटाइन। समझ में आ गई? तो अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों एक ही जैसी नेचर के कैटाइंस बनाते हैं, विच आर कॉल्ड मोनोवेलेंट कैटाइंस। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। तीन पॉइंट हो गया, अब चौथा पॉइंट आ रहा है, पहले ये कॉपी कर ले आप लोग। अच्छा पॉइंट कॉपी करें, सिमिलैरिटी इन हाइड्रेशन ऑफ कैटाइंस। चौथा पॉइंट, सिमिलैरिटी इन हाइड्रेशन ऑफ कैटाइन, यानी अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों के कैटाइंस पानी में वाटर से सराउंड हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन आयन को पानी में रखूं तो हाइड्रोजन आयन वाटर से सराउंड हो जाएगा। इस तरह H पॉजिटिव सराउंडेड बाय वाटर, इसको हम H3O पॉजिटिव भी कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। इसी तरह अगर Na पॉजिटिव को पानी में डालें तो Na पॉजिटिव को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। इस अमल को कहते हैं हाइड्रेशन। एलएस करने के लिए यहां लगेगा N। N का मतलब है लादादार वाटर मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव को सराउंड कर रहे हैं। सो बोथ हाइड्रोजन आयन एंड अल्कली मेटल आयन आर हाइड्रेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयंस। This is another point of similarity. Copy करने से both hydrogen ion and alkali metal ions have same behavior in aqueous solution. They both ions are surrounded by water molecule in aqueous solution to form hydrated ion or solvated ion. Agla point hai ji, similarity in reducing behavior. पांचवा पॉइंट, सिमिलैरिटी इन रिड्यूसिंग बिहेवियर। एंड स्टूडेंट बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट्स।
alkali metal metals hain and metals are reducing agent. Hydrogen is also reducing agent. Reducing agent kisko kehte hain? Electron donor ko. देखा आपने? और छठा पॉइंट लिखिए, सिमिलैरिटी ऑफ कलेक्शन एंड कैथोड. सिमिलैरिटी इन कलेक्शन एंड कैथोड. सिमिलैरिटी इन कलेक्शन एंड कैथोड. सिक्स पॉइंट है, सिमिलैरिटी इन कलेक्शन एंड कैथोड. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पर कलेक्ट होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन वो वाहिद नॉन मेटल है जो कैथोड पर कलेक्ट होती है. हाइड्रोजन वो वाहिद नॉन मेटल है जो कैथोड पर कलेक्ट होती है. ये कॉपी कीजिए, छह पॉइंट्स हो गए. सातवां पॉइंट लिखिए, सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड केमिकल बिहेवियर. सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड केमिकल बिहेवियर. सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड केमिकल बिहेवियर. हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और इसलिए दोनों नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने की सलाहियत रखती है. हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल्स भी दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं एंड बोथ हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स स्पेशली हैलोजन्स. And they form same type of binary salts, which are electrolyte and also soluble in water. For example, hydrogen metal M से मिलती है. Sorry, hydrogen halogen से मिलकर HX बनाती है, which is the binary compound of metal, binary compound of hydrogen. Similarly, मेटल एम यानी अल्कली मेटल हैलोजन से कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं MX, और ये दोनों कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो आप देखिए ये दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों हैलोजन के साथ कंबाइन होने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो स्टूडेंट